हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बहुत दिनों के बाद आप लोगों के साथ आज फिर से भेंट हुआ मेरा। और क्या बोलूँ दोस्तों, थोड़ा अभी मेरा ट्रेनिंग चल रहा है, इसके लिए मैं थोड़ा वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। मगर एक बात का बोलना चाहूँगा, कल मैं रात को फेसबुक देख रहा था अपने अकाउंट, तो उसमें एक वीडियो मेरे को मिला। अब वो वीडियो देख के मेरा थोड़ा कुछ ठीक नहीं लगा, मैं थोड़ा विचलित हो गया। वो वीडियो मैं आपको भी दिखाऊंगा, तो साथ में रहिए। चलिए शुरू करते हैं। मैं कल फेसबुक अपना अकाउंट देख रहा था, तो एक बंदा, उसका नाम पता नहीं है, मगर उस बंदा का एक वीडियो देखा। और वहाँ पे उस वीडियो का उसने टैग, उसका मैंने वीडियो का जो उसने थीम लिखा है, लिखा है वहाँ के गूगल का बकवास एडवाइस। तो साथ में रहिए और ये वीडियो जरा देखिए आप भी, ठीक है। गूगल बाबा ने सलाह दिया कि अगर आप दार्जिलिंग आए हैं तो आपको चौरस्ता घूमने जाना चाहिए। गूगल के अनुसार ये चौरस्ता वन ऑफ द फेमस विजिटिंग पॉइंट है दार्जिलिंग का। अब देखो, चौरस्ता पहुंचने के बाद मैं टोटली कंफ्यूज हो गया कि आखिर मैं यहाँ पे क्या देखूं, क्या है यहाँ पे देखने को। खैर, मुझे क्या क्या देखने को मिला वो मैं आपको बताता हूँ। एक बड़ा सा फील्ड है, उस फील्ड के चारों ओर कुछ लोग बैठे हुए हैं जो एक दूसरे को देख रहे हैं, और कुछ यहाँ के लोकल्स हैं जो धूप का आनंद ले रहे हैं, और साथ ही साथ कुछ लोग इस फील्ड में घोड़े पर सवार होकर घूम रहे हैं। और घोड़ा उन लोगों से बहुत नाराज है क्योंकि उसे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई उसके ऊपर बैठकर फोटो के लिए पोज दे। ऐसे फोटो से याद आया, यहाँ पे एक फोटो जोन भी है। अब देखो, मुझे तो फोटो खिंचवाने का शौक है नहीं, इसलिए मैंने बस एक तो ऐसे खिंचवा लिया। यहाँ पे मैंने एक फनी चीज नोटिस किया कि यहाँ पे जितने भी लोग अपने टू व्हीलर से पास होते हैं वो अपने टू व्हीलर के साथ पैदल यात्रा करते हैं। मुझे लगा सबका तेल खत्म हो गया क्या, अरे भाई बता रहे कि यहाँ पे अलाउड नहीं है, मतलब ये चौरस्ता में अलाउड नहीं है। तो वहाँ तक आप आते हो यहाँ सबको पैदल जाना होता है। खैर, जाते जाते मेरी मुलाकात इस प्यारी सी बच्ची से होती है जिसके साथ मैं थोड़ा खेलना चाहा, लेकिन इसका मूड बिल्कुल नहीं था मेरे साथ खेलने का। बट लास्टली सी गेव मी अ बिग स्माइल। तो दोस्तों, आपने जैसे देखा ये महाशय चौरस्ता गए घूमने, ठीक है, अच्छी बात। और वो घूमने के बाद उनको ये रिलैक्स हुआ जो लोग चौरस्ता में क्या करने जाते हैं। तो तीन वहाँ उन्होंने ये नोटिस किया कि वहाँ पे बाइक सब जो है, बाइक सब लोग पुश करके ले जा रहे हैं, और ये उनको फनी लगा। एक बात अब मैं बोलना चाहूंगा उस बंदे को, फर्स्ट कि हम लोग के दार्जिलिंग में जब कोई पर्यटक आते हैं तो चौरास्ता इसलिए जाते हैं कि वहाँ का खूबसूरत जो नज़ारा है, हम लोग के चौरास्ता का जो आसपास के जो शॉप है, क्यूरी शॉप, वो अभी का नहीं है, ब्रिटिश पीरियड का है। चौरास्ते के पीछे से जो एक रास्ता जाता है जहाँ पे कंचनजंगा व्यू पॉइंट कहते हैं, वहाँ का खूबसूरत जो नज़ारे हैं, क्या आपने उस नज़ारा को देखा। मैं ये क्वेश्चन उनको पूछ रहा हूँ जिन्होंने ये वीडियो बनाया। मैं दार्जिलिंग का बाशिंदा हूँ, ठीक है, तो ये मेरे को हर्ट हो गया जब आप घूमने आते हो। हाँ, अगर घूमने आपको पसंद आया तो अच्छी बात, तो ये थोड़ा मजाक किया, ये थोड़ा डाउन करके बात करना, ये कहाँ का व्यवहार हुआ। और आपने शायद एक चीज नोटिस नहीं किया है सर, कि आप को ये पता भी नहीं होगा कि चौरास्ता में इतना क्राउड होता है। अब जब दिन में गए, दिन में कम, मगर रात में क्राउड होता है शाम को, उस टाइम में जो आपने बोला है कि बाइक क्यों पुश कर ले जा रहे हैं, क्योंकि उस टाइम सुनिए, चौरास्ता में जब क्राउड ज़्यादा होता है, जो टूरिस्ट हो या लोकल्स का हो, बच्चे जो होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो लोग तो पता नहीं है क्या करना चाहिए, कहाँ दौड़ना चाहिए, और इन लोग खेलते हैं वहाँ पे, थोड़ा दौड़ दौड़ी करते हैं। मगर उस टाइम अगर कोई चलता बाइक, स्टार्टिंग बाइक अगर उनको लग जाए तो उसका कसूरवार कौन होगा, समझे कुछ। ऐसा दुर्घटना ना हो, इसीलिए उस जो बड़ा फील्ड देख रहे हैं वहाँ पे बाइक चलाना अलाउड नहीं है। तो दादा, आपको कुछ नहीं बोलूँगा, मगर एक बात बोलूँगा, पहले पूरा बात जानिए, समझे, उसके बाद आप थोड़ा वीडियो अपलोड कीजिए, ठीक है। हम लोग को दार्जिलिंग को जो है ना, दार्जिलिंग जो शहर है उसे पहाड़ की रानी ऐसे नहीं बोलते, ठीक है। तो सोचिए, समझे, अगर मैंने आपको थोड़ा हर्ट किया तो आई एम सॉरी टू से, मगर आपने जो मेरे दार्जिलिंग के बारे में, मॉल रोड के बारे में ऐसा बोला, तो आप यही डिजर्व करते हैं। तो गाइस सुन, छोड़ो, ये वीडियो मैं खास उसी बंदे के लिए बना रहा हूँ जिसने ये अपना ये वीडियो अपलोड किया है चौरास्ता के नाम पे।
लोग इस वीडियो को लाइक करें ना करें मगर इतना शेयर कीजिए कि ये वीडियो उस तक पहुंच जाए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों मेरे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच, नमस्कार। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।